पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी निभाने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभाएं। उन्होंने कहा कि इस समय सशक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास है। कमलनाथ चाहेंगे कि कार्यों का बंटवारा हो और कुछ मैदानी लोग मिले, वो बात हो सकती है। मेरा हाईकमांड से अनुरोध है, इस कांग्रेस के कुनबे को संभाल रखने में ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो वो है कमलनाथ। वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर वर्मा ने कहा, मैं इस काबिल हूँ लेकिन इसकी दौड़ में नहीं हूँ। वही सिंधिया को लेकर कहा कि रो रहे थे तो मोदी जी ने उन्हें बिकाऊ विभाग का झुंझुना पकड़ा दिया है। वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर वर्मा ने कहा, मैं इस काबिल हूं लेकिन इसकी दौड़ में नहीं हूं। वही सिंधिया को लेकर कहा कि रो रहे थे तो मोदी जी ने उन्हें बिकाऊ विभाग का झुंझुना पकड़ा दिया है। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, सरकार जनहित के मुद्दों से बचना चाहती है इसलिए उसने सिर्फ 3 दिन का सत्र आयोजित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा जनहित के मुद्दों से कतराने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको किस्मत से परोसी हुई थाली मिली थी, अब कुर्सी मिल गई। उन्होंने कहा, पिछले आंकड़े उठाकर देख लीजिए, इन्होंने 5-6 दिन से ज्यादा विधानसभा का सत्र नहीं चलाया है। देखिए, ये तरीका अख्तियार किया है भाजपाइयों ने, लोकतंत्र की हत्या करके उनको आसान रास्ता मिल गया। भाजपाइयों को उनके बाहुबल पे तो विश्वास रहा नहीं। उनने भ्रष्टाचार में इतना पैसा कमाया, उसका 10% खरीद फरोख्त में, विधायकों को खरीद फरोख्त में लगाया। अब उनकी प्लानिंग यही है कि अपन पार्षदों को खरीद फरोख्त करके जहाँ अपने कम आए पार्षद वहाँ महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष बना लेंगे, यही प्लानिंग है। एक बात आपको, हमको, सबको मानना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की सरकार की जो भी स्थिति रही हो वो एक अलग पार्ट है। मतलब छल और छदम से कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराया गया। ये दिल्ली में बैठा हुआ नेता जो दिल्ली की बड़ी राजनीति किया हो, इस तरह की लोकतंत्र की हत्या की कल्पना नहीं की जा सकती थी, उनकी सरकार गिरी। लेकिन आज भी कांग्रेस के हाईकमान के साथ कमलनाथ जी का तालमेल और विश्वसनीयता भरा संबंध संजय गांधी, राजीव जी के समय, इंदिरा जी के समय से है। और कांग्रेस में मैं समझता हूँ कि सबसे विश्वसनीय नेता कमलनाथ जी हैं। दीर्घ अनुभव है और ऐसा कोई घराना भारत में नहीं है, बड़े घराने जहाँ कमलनाथ जी के संबंध नहीं हो, क्योंकि राजनीति में बड़े घरानों की ज़रूरत भी पड़ती है। Thank you.